आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोरोना वायरस को लेकर जहां एक और शहर भर को लॉकडाउन किया गया है तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को खाने पीने की कोई समस्या ना हो इसको ध्यान में भी रखा जा रहा है जिसके चलते बुधवार को राशन की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को पुलिस की निगरानी में गेहूं और चावल वितरित किया गया देश भर में कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है लगातार देश में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिसको लेकर जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है तो वहीं इस लॉकडाउन के दौरान जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसका भी ख्याल सरकार द्वारा रखा गया है जिसमें ज्यादा ध्यान गरीब और जरूरतमंदों का रखा गया है बुधवार को पुलिस प्रशासन की देखरेख में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी राशन वितरण केंद्रों को खोला गया जहां पर राशन कार्ड धारकों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली इस दौरान राशन कार्ड धारकों को पर यूनिट तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया गया लेकिन इस दौरान लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही कि ये राशन सरकार द्वारा निशुल्क दिया जा रहा है जबकि ऐसा नहीं है राशन कार्ड एक, एक मीटर दूरी ऐसी रखी गई है पूरी सैनिटाइज और पूरा लोग एक जुटना जो, जो है पूरी व्यवस्था करी गई है आदेश की तरफ ऐसी माल का वितरण किया जा रहा है और सभी लोग पुलिस वालों ने काफी सपोर्ट किया लोग एकजुट नहीं कितना एक 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 ले ले लो तो कितना राशन दिया प्रॉपरली एक यूनिट पे तीन किलो गेहूँ और दो किलो चावल एक यूनिट में अगर पाँच है तो उनका पंद्रह किलो राशन हो गया पच्चीस किलो पंद्रह किलो गेहूँ हो गया और दस किलो चावल हो गया टोटल जो है पच्चीस किलो हो गया आप बराबर दे रहे हैं हाँ जी हाँ जी सबको बराबर जिसको लेकर राशन डीलर के पुत्र द्वारा जानकारी दी गई कि ये राशन महीने के हिसाब से आता है वही दिया जा रहा है अभी राहत वाला राशन नहीं आ पाया है इसमें कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किलो गेहूँ और दो किलो चावल दिए जा रहे हैं सी न्यूज ऐसी अनिल सिंह की रिपोर्ट